दोस्तों आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल डीए न्यूज पर। दोस्तों वैसे तो आपने देखा होगा कि कई लोग कुत्तों को पालते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कुछ लोग कुत्तों को खा भी लेते हैं। ये सुनकर शायद आपको अपने कानों पर भरोसा ना हो, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे देशों के बारे में जो सांप, कुत्ता, सुअर आदि को खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो भारत में सांप, कुत्ता, सुअर को पाला जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर सुअर को खाया जाता है, लेकिन कुत्ता और सांप को शायद ही कोई भारतीय खाता होगा। और इन सारी बातों को सुनकर आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो कौन सा देश है जहाँ पर कुत्ते को और सांप को साथ ही साथ सुअर को भी खा लेते हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों कुत्ते को वैसे प्रभु भक्त माना जाता है, वह अपने मालिक की रखवाली करता है, लेकिन देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ कुत्ते का मांस बड़े चाव से खाया जाता है। आप चौंकिए पर नागालैंड में कुत्ते का मांस बड़े चाव से खाया जाता है। इसलिए असम में कुछ लोग कुत्ते को बस्ते में भरकर नागालैंड बेचने के लिए ले जाते हैं और इस क्रिया में अनेक कुत्ते मारे जाते हैं। बस्तों में भरने के कारण यह दम घुटकर मर जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों ये कुत्तों के साथ साथ सांप को भी खा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड में रहने वाले लोग सांप को बड़े चाव से खाते हैं और साथ ही साथ सुअर को भी खाते हैं। उनको इन सब का मांस खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। सुनने में आया था कि पहले जमाने में यहाँ के लोग इंसान को भी खा लिया करते थे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया है। लेकिन ये बात तो सच है कि नागालैंड में कुत्ते को बड़े चाव से खाया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में कई तरह के त्योहार मनते हैं, लेकिन त्योहारों पर हमारे यहाँ मांस नहीं बनाया जाता, लेकिन नागालैंड में एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर सिर्फ कुत्ते का मांस बनता है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको यकीन ना आ रहा हो, लेकिन उस दिन नागालैंड में सिर्फ कुत्ते ही बनाए जाते हैं और वहाँ के लोग उन कुत्तों को खाना पसंद करते हैं। अभी हाल ही में पता चला था, गोलाघाट जिले के बर्फ थार में पुलिस ने कई लोगों को कुत्ते ले जाते हुए पकड़ा था, और जब उन्होंने उनकी तलाशी ली तो उनसे 22 कुत्ते बरामद हुए, जिनमें से 10 कुत्ते मर चुके थे। पुलिस अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने कहा कि 10 कुत्ते इनमें से मर गए थे। इनका पोस्टमार्टम स्थानीय सरकारी पशु डॉक्टरों ने मौत के कारण को जानने के लिए किया है, और वहीं जिंदा 12 कुत्तों की देखभाल जिला पशुपालन विभाग कर रहा है। दोस्तों जब नागालैंड वालों से पूछा गया कि वह कुत्तों को क्यों खाते हैं, तब उनका जवाब बहुत ही अलग था। उनका कहना था कि उन्हें कुत्ते का मांस बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, और खासकर कि अगर कुत्ता काला रंग का हो तो वह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा, और काले कुत्ते का मीट नमकीन स्वाद का होता है। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात और पता चली, अगर आपके पास काला कुत्ता है तो आप उनसे काले कुत्ते के बदले बकरी या भेड़ भी ले सकते हैं, जिसके बदले आप अपना उन्हें काला कुत्ता दे सकते हैं। दोस्तों जब आपने सुना कि वह कुत्ते का मांस खाते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल आ रहा होगा कि उन्हें रेबीज क्यों नहीं होता। तो चलिए आपको इस बारे में भी बताते हैं। WHO के अनुसार पागल जानवर का मांस खाने से बचना चाहिए। हालांकि अभी तक एक रेबीज जानवर के बिना पके हुए मांस की खपत के बाद या कसाई खाने से कोई भी मानवीय मामले रिपोर्ट में नहीं आए, लेकिन फिर भी WHO रेबीज वाले जानवर को खाने के लिए मना कर देता है। लेकिन दोस्तों नागालैंड और चीन और मणिपुर में जो कुत्ते का मांस खाया जाता है वह घरेलू कुत्ते होते हैं, और वह ज्यादातर रेबीज से मुक्त होते हैं, इसलिए वह उन्हें खाते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।